अच्छा जी, अब हम चलते हैं वी आई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन को डिस्कस करेंगे। वी आई से मुराद है वोल्टेज इम्पेयर करेक्टरिस्टिक्स भी इनको कहते हैं। अच्छा, ये वोल्टेज इम्पेयर करेक्टरिस्टिक्स किस ब्लॉक का नाम है? ये ग्राफ होता है वोल्टेज और एम्पेयर के दरमियान, वोल्टेज और करंट के दरमियान, पी एन जंक्शन के वोल्टेज और करंट के दरमियान ये एक कर्व बनती है। और जो पॉइंट्स हमारे पास आते हैं, जो रीडिंग हमारे पास वोल्टेज की और करंट की आती है, वो हम एक ग्राफ पे मैप करते हैं, हमारे पास एक कर्व बनती है, उस कर्व को वी आई करेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द पी एन जंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास वोल्टेज को हम एक्स एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं, जबकि करंट को हम किसके अलोंग ले लेते हैं? वाई एक्सिस के अलोंग। करंट को हम कैसे फाउंड करते हैं? करंट के पास हमारे पास ये फार्मूला है, आई डी इज इक्वल टू आई एस इंटू ई रेस टू पावर वी डी अवर एन टाइम्स वी टी माइनस वन। ठीक है, जो वी डी है हमारे पास अप्लाइड है, ये बाइस्ड वोल्टेज है, बाइसिंग करने के लिए हमारे पास डीसी वोल्टेज है, वी टी हमारे पास थर्मल वोल्टेज है, हमारे पास एन है, यूजुअली इसको ईटा भी कहते हैं, ये आइडियलिटी फैक्टर है और इसको हम वन ही कंसीडर करते हैं, अदरवाइज स्पेसिफाई किया गया होता है। ठीक है, और ये फार्मूला कैसे आया है, कहाँ से कैलकुलेट किया है, ये बियॉन्ड द स्कोप है। हमें सिर्फ ये हमने डिस्कस करना है कि इस फार्मूला के ज़रिए हम डायोड का करंट, डायोड या पी एन जंक्शन का करंट जो है वो फाउंड कर सकते हैं। और ये वी टी जो थर्मल वोल्टेज है वो के टाइम्स टी बाई क्यू है, वेयर के इज़ द बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट, टी इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, वी टी जो है हमारे पास थर्मल वोल्टेज है और के बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू नोट कीजिएगा 1.38 × 10⁻²³ जूल्स पर केल्विन है, जबकि टेम्परेचर जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन्स है 273 डिग्री प्लस द टेम्परेचर इन डिग्री सी, जबकि क्यू जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, जो कि 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स है। ठीक है, समझ आ गया, होप सो आपको समझ आ गया होगा। इस करैक्टरिस्टिक कर्व्स को हम थ्री स्टेट्स में हम इसको फाउंड कर सकते हैं, जो तीन केसेस बनते हैं उनमें ज़ीरो एक्सटर्नल वोल्टेज है, मींस हमने कोई बाइस अप्लाई नहीं किया हुआ, जबकि दूसरे केस में हमारे पास हम फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में इसको देखेंगे, और थर्ड केस में हम देखेंगे कि जब रिवर्स्ड बाइस्ड कंडीशन में होगा, और इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ जब फॉरवर्ड बाइस करेंगे और रिवर्स बाइस करेंगे, इसमें वी डी की वैल्यू को पुट करेंगे और हमारे पास करस्पोंडिंग आई डी की वैल्यू आएगी, वो हम ग्राफ पे कर्व पे मैच करेंगे, तो हमारे पास एक वी आई करेक्टरिस्टिक कर्व आएगी। अब इन कंडीशंस को कैसे मैप करेंगे, कौन सा सर्किट यूज़ करेंगे, किस किस्म का वो सर्किट होगा जिससे हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, देखते हैं। ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है जिसको हम यूज़ करते हुए ये डिफरेंट वैल्यूज़ को मैप कर सकते हैं। मैंने एक पीएन जंक्शन डायोड को लिया है, उसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा दिया है और उसके सीरीज़ में एक हमारे पास एम्पेयर मीटर लगा हुआ है, जबकि एक पोटेंशियोमीटर यूज़ किया गया है और एक स्विच है, जबकि एक डीसी बाईस वोल्टेज लगाया गया है। अब इन सब का फंक्शन क्या है, इसको मैंने पैरेलल में क्यों लगाया है वोल्ट मीटर को, इसको मैंने सीरीज़ में क्यों लगाया है पीएन जंक्शन डायोड के, और पोटेंशियोमीटर और स्विच का क्या काम है, देखते हैं। मैंने जब आपको सर्किट के क्वेश्चंस करवाए थे सीरीज़ और पैरेलल में, कम्बिनेशनल सर्किट्स जो थे, सर्किट एनालिसिस जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि पैरेलल में वोल्टेजेस हमारे पास किसी भी सर्किट एलिमेंट के सेम आती है, जबकि सीरीज़ में हमारे पास करंट सेम आता है। सीरीज़ में वोल्टेजेस डिफरेंट किसी भी सर्किट एलिमेंट के, रेजिस्टिव सर्किट एलिमेंट हो या जो भी, यहाँ पे वोल्ट मीटर हमने पैरेलल में इसलिए लगाया है कि जो
वोल्ट इसके अक्रॉस पियर होगा पीएन जंक्शन डायोड के, वही वोल्ट वोल्ट मीटर शो करेगा, जबकि सीरीज में एम्पेयर मीटर इसलिए लगाया जो करंट इस पीएन जंक्शन के अक्रॉस होगा वही इसके अक्रॉस अपीयर होगा, और डीसी बाइस से हम जो है बाइसिंग करेंगे और यहाँ पोटेंशियोमीटर के साथ हम इसके रेजिस्टेंस को चेंज करके डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बाइस को हम देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास ज़ीरो एक्सटर्नल फोर्स होगी, ज़ीरो एक्सटर्नल वोल्टेज होगी, ज़ीरो सॉरी यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग की स्पेलिंग गलत थे, इसको करेक्ट कर लें, करेक्ट कर भी दिया गया है। तो जब हमारे पास ज़ीरो एक्सटर्नल वोल्टेज होगी तो क्या होगा, हम इस फार्मूले को देखेंगे, जब हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दें वी डी के इक्वल, तो वी डी को जब हमने ज़ीरो कर दिया है तो एनी थिंग ज़ीरो बाई एनी थिंग इज इक्वल टू ज़ीरो, और जब किसी चीज़ की पावर में, जब एक्सपोनेंशियल की पावर में ज़ीरो होगा तो वो वन के इक्वल होगा, जब हम वन को वन में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल जो आंसर आएगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा, और ज़ीरो को जब हम रिवर्स सैचुरेशन करंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो डायोड का करंट आएगा वो ज़ीरो आएगा, मींस जब हम बाइस कोई भी अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारे पास डायोड के अक्रॉस करंट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। और इधर लिखा गया है सॉरी, व्हेन द एक्सटर्नल वोल्टेज इज ज़ीरो आर देयर इज नो एक्सटर्नल वोल्टेज, द स्विच इज ओपन एंड नो करंट फ्लोज इन द सर्किट, और ये पॉइंट जो है ग्राफ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, पॉइंट ओ से शो किया गया है, ये हमारे पास फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस है, नेगेटिव एक्सिस है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव शो नहीं किया गया, लेकिन ये नेगेटिव एक्सिस है, ये रिवर्स करंट है, इन ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पीयर्स है, हम प्रैक्टिकल डायोड की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड करंट है, इसको हम आई डी भी कह सकते हैं, आई डी आई डी, और ये हमारे पास आई एस है, आई एस है, नोटेशंस को देख कर घबराना नहीं है। तो हमारे पास जो पॉइंट ओ आया है ज़ीरो बाईस का, वो इंटरसेक्शन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो हमारे पास जब एक्सटर्नल करंट नहीं होगा तो आई डी हमारे पास ओवरऑल ज़ीरो आ जाएगा। समझ आ गई है कि जब ज़ीरो एक्सटर्नल वोल्टेज होगा ग्राफ पर वो जो पॉइंट आएगा वी आई करेक्टरिस्टिक पॉइंट पर वो ओरिजिन होगा। ठीक है, अब हम फॉरवर्ड बाइस इसकी बात करें, जब हम फॉरवर्ड बाइस करेंगे, फॉरवर्ड बाइस करने से क्या होगा, जब हम बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, यहाँ पे केस सिनेरियो ले लिया है इसने, मेरे ख्याल में इसने जर्मेनियम का केस लिया, ये हमारे पास पॉइंट जो है वो क्या शो हो रहा है, बैरियर का वोल्टेज वी बी। अब जैसा ही पॉइंट ए पे ये पहुँचा, पॉइंट ए पे, पॉइंट ए की बात करूँ, ओरिजिन से पॉइंट ए तक ये हमारे पास लीनियर इंक्रीज है, लीनियर, जैसे करंट इंक्रीज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता करंट आई डी इंक्रीज हो रहा है, और जैसा ही पोटेंशियल ए पे पहुंचा है, मींस जर्मेनियम का केस इसने ले लिया है या कोई भी केस सिनेरियो लिया है, ये हमारे पास पोटेंशियल बैरियर ए पे पहुंचा है तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हुई है। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज जब V को 0.3 या इस तरह पुट करेंगे हम फार्मूला में, हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी, या हमारे पास वोल्टेज इक्वल टू 0.7 होंगे इन केस ऑफ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.7 वोल्ट होंगे फॉर द सिलिकॉन, एंड 0.3 ग्रेटर देन 0.3 आर इक्वल टू 0.3 होगा, तो हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर कम्प्लीटली एलिमिनेट होगा और एक हमारे पास शूट आ रही है करंट की, एक शूट कर गया एक्सपोनेंशियली, हमारे पास ए बी जो है ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ द कर्व आई है इन द प्रैक्टिकल डायोड इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइस, हमारे पास आई आई डी जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर गया है। इसी तरह अगर हम बात करें रिवर्स बाइस की, रिवर्स बाइस में क्या हुआ है, रिवर्स बाइस में हम क्या करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को अटैच करते हैं पी साइड के साथ और
हमारे पास जो है पॉजिटिव टर्मिनल एन साइड के साथ कनेक्ट करते हैं। अब जंक्शन की रेजिस्टेंस जो है ना वो बढ़ती जाती है, हाई होती है, क्योंकि डिप्लीशन विड्थ जो है ना वो बढ़ती जाती है, और हमारे पास जो फ्लो रिवर्स सेचुरेशन करंट आई एस जो मैंने आपको बताया वो बहुत ही स्मॉल होता है, इन ऑर्डर्स ऑफ माइक्रो एम्पीयर्स है, इन ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पीयर्स है, और इसको हम रिवर्स सेचुरेशन करंट कहते हैं, और ये माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है। यहाँ पे आपको एक सर्किट डायग्राम नज़र आ रही होगी, या स्कीमेटिक डायग्राम भी इसको हम कह सकते हैं, जिसमें हमने एक पी एन जंक्शन डायोड लिया है, और शो क्या किया हुआ है कि पी साइड में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं और एन साइड में माइनॉरिटी होल्स हैं। अब हो क्या रहा है, हमने इसको कनेक्ट तो किया हुआ है पी को नेगेटिव के साथ, एन को पॉजिटिव के साथ, और है ये रिवर्स बायस कंडीशन में, लेकिन इन माइनॉरिटी कैरियर्स के लिए इनको फॉरवर्ड बायस कंडीशन महसूस हो रही है माइनॉरिटी कैरियर्स को, और इनको माइनॉरिटी कैरियर्स को ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन समझ आ रही है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर थर्मल एनर्जी की वजह से, थर्मल एनर्जी बढ़ती जा रही है उसकी वजह से, एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज हुआ है तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा, इसी तरह एवलॉन्च इफेक्ट होगा। एवलॉन्च इफेक्ट से मुराद ये है दो, एक से दो, दो से चार, चार से ज़्यादा फिर होते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालता जाएगा, तो एकदम हमारे पास रिवर्स सेचुरेशन करंट जो है ना वो बढ़ जाएगा, और एक ब्रेक डाउन वोल्टेज की तरफ ये लेकर चला जाएगा। ग्राफ पर अगर हम इसको देखें तो हमारे पास रिवर्स सेचुरेशन करंट जो है वो यहाँ से यहाँ तक बढ़ता गया, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ रिवर्स सेचुरेशन करंट है ये, आपको ये 100, 200, 300 ये ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपने यहाँ पे यूनिट्स नहीं देखे, यूनिट्स को देखेंगे तो ये माइक्रो एम्पीयर में 100 माइक्रो एम्पीयर ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट है। जब हम और रिवर्स वोल्टेज को इनक्रीज़ करते जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा जहाँ से हमारे पास रिवर्स सेचुरेशन करंट ने भी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ किया है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किया है, तो साथ ही हमारे पास इसको हम क्या देते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसके बाद जो है ना मज़ीद अगर हम रिवर्स सेचुरेशन करंट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे या रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो हमारे पास जंक्शन जो है वो एक्सेसिव हीट की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसको हम बैरियर वोल्टेज वी बी भी कहते हैं, इसको हम नी वोल्टेज भी कहते हैं, इसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं इन केस ऑफ रिवर्स बायस, ठीक है। होप सो आपको ये समझ आ चुका होगा। तो अगर हम देखें, हमने फॉरवर्ड बायस इन केस ऑफ सिलिकॉन देखें तो हमारे पास अगर इनिशियली हमारे पास बायस ज़ीरो है तो करंट ज़ीरो है, यहाँ इस पॉइंट तक नी वोल्टेज तक जाएं या बैरियर वोल्टेज तक जाएं तो हमारे पास लीनियर इंक्रीज है इन आईडी या फॉरवर्ड करंट। जैसा ही हमारे पास बैरियर एलिमिनेट हुआ है तो नी वोल्टेज के आगे हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ आईडी आपको नज़र आ रही होगी, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है वो। आपको प्रीवियस स्लाइड्स में अगर हम जाके देखें, प्रीवियस स्लाइड में ये फार्मूला आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें एक्सपोनेंशियली एक्सपोनेंशियल है। इस एक्सपोनेंशियल का जो है असर आपको इस कर्व में भी नज़र आता है कि वाकई ही एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो हमारे पास यहाँ तक तो लीनियर इंक्रीज है, और 0.3 पे बैरियर एलिमिनेट हुआ है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है, ठीक है। वीएफ या वीडी नोटेशंस को आपने देखकर घबराना नहीं है, वीएफ भी कहते हैं, वीडी भी कहते हैं, तो वीडी कह दें तो अप्लाइड बायस है, फॉरवर्ड वोल्टेज है वीएफ, और आईएफ फॉरवर्ड करंट है, ये इन केस वीएफ को हमने यूज़ किया, जब वीडी को यूज़ करेंगे तो हम आईडी कहेंगे। होप सो आपको वी आई करेक्टरिस्टिक्स कर्व जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।
अब हम नेक्स्ट जो है टॉपिक वो हम पढ़ेंगे थैंक यू स्लाइड पर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जी।